चरण में 102 सीटों पर वोटिंग के बाद इंडिया और एनडीए दोनों ने ही अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के पक्ष में अच्छा फीडबैक मिला है, तो सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी का फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहले चरण की 102 सीटों पर इंडिया के पक्ष में एक तरफा नतीजे आ रहे हैं, आगे भी ये सिलसिला बना रहेगा। तो दूसरी तरफ वोटिंग को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसने बीजेपी की नींद जरूर उड़ा दी है। नए सिरे से रणनीति तैयार हो रही है। दरअसल बीजेपी की चिंता इतिहास ने बढ़ा रखी है। 1980 के बाद से जब भी देश में मतदान घटा है, देश की सत्ता में बदलाव हो गया है। 1980 से अब तक 5 मौके आए हैं जब वोटिंग कम हुई है और 5 में से 4 बार सत्ता बदल गई है। बीजेपी की सबसे ज्यादा चिंता तो इसीलिए बढ़ गई है कि 2019 में जहां उसे ज्यादा सीट मिली वहां वोटिंग कम हुई और जहां हार मिली वहां वोटिंग ज्यादा हो गई। ये आंकड़े बीजेपी को डरा रहे हैं। दरअसल 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत गिरा था, जो 1977 के मुकाबले में 1980 में वोटिंग 5.5% कम हुआ, तो जनता पार्टी की जगह कांग्रेस सत्ता में आ गई। इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी कर ली। इसके बाद 1989 में 2.6% वोटिंग कम हुई, तो राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए और जनता दल के वीपी सिंह पीएम बन गए। अगले ही चुनाव में 1991 में वोटिंग 5.22% घटी, तो कांग्रेस ने जनता दल से सत्ता छीन ली। 2004 में 1.92% वोटिंग कम हुई, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बन गई। सिर्फ 1999 में एक मौका ऐसा आया था जब 1.98% कम वोटिंग के बावजूद अटल बिहारी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बच गई थी, लेकिन सरकार में भी बीजेपी अपनी सीटों की संख्या नहीं बढ़ा पाई। में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार एक साथ चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस जनसभा में राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के अरबपतियों के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं और फिर वो स्थायी नौकरी में जाते हैं, मगर ये सुविधा देश के बेरोजगार युवाओं को कभी नहीं मिली, इसलिए हम एक नई योजना लाए हैं। पहली नौकरी पक्की, इसमें हम हिंदुस्तान के सभी ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। एक साल आपकी ट्रेनिंग सरकारी ऑफिस, प्राइवेट कंपनियां और पब्लिक सेक्टर में होंगी और आपको 1,00,000 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ राहुल ने अमरोहा में जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जातिगत जनगणना ही हिंदुस्तान का एक्सरे है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि देश में किस वर्ग के कितने लोग हैं। लेकिन जब मैंने जातिगत जनगणना की बात की तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग विरोध में आ गए, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि अमरोहा से उनके उम्मीदवार दानिश अली ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। इस बार पश्चिम की हवा हर जगह से बीजेपी का सफाया करेगी। जनता ने बीजेपी को पहले चरण के चुनाव में ही पलट दिया है। बीजेपी का पहला शो पहले दिन ही फ्लॉप रहा है। मोदी जी सिर्फ जुमले लेकर आए थे, तो वहीं आज भागलपुर में भी राहुल ने तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की। इस सभा में राहुल ने कहा कि बीजेपी के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी। हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देश को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 400 पार की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, पहले और दूसरे फेज में हम जीत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और अब उनकी सेहत खराब बताई जा रही है। इस मामले में शुक्रवार को केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अपनी डाइट को लेकर कोर्ट में दलीलें दी थी। इसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है। दिल्ली के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा देने वाले जनता के चुने हुए सीएम को दवा नहीं दी जा रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उन्हें इंसुलिन चाहिए, तो उन्हें इंसुलिन देने से मना किया जा रहा है। जेल में धीरे धीरे केजरीवाल की जान ली जा रही है। सौरभ ने कहा कि एक शुगर के मरीज को इंसुलिन ना देने से उसकी नसें कमजोर होने लगती हैं। उन्होंने आगे कहा कि नसों के कमजोर होने से धीरे धीरे शरीर का एक एक अंग जैसे लीवर, फेफड़ा और दिल आदि भी फेल होने लगते हैं, और एक दिन मरीज मल्टी ऑर्गन के फेलियर के चलते अपनी जान गवा देता है। केजरीवाल के साथ ऐसा ही करने की साजिश रची जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि केजरीवाल को समय से दवा ना दी जाए ताकि उनके सेहत पर असर पड़े। फिर जब केजरीवाल जेल से छूटकर कुछ महीने बाद बाहर आए तो कभी वे लीवर, कभी फेफड़े और कभी दिल का इलाज कराते रहें और धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। सौरभ ने आगे कहा कि हम बस ये चाहते हैं कि अगर केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है तो उन्हें इंसुलिन दी जाए।